जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक बार फिर से एक बिग अपडेट के साथ आपके साथ आ चुका हूं। आज का जो हमारा अपडेट है वो एम्स से रिलेटेड है, यानी AIIMS। यानी आप लोगों को पता है, एक बिग अपडेट लेके आ चुका हूं कि AIIMS यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल 9 फैकल्टी पोस्ट, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल के लिए जो न्यू वैकेंसी है वो आ चुकी है। ठीक है, तो आइए इसके भर्ती के बारे में जानते हैं कि इसकी अपडेट्स क्या क्या हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि वैकेंसी कितनी है, कितने पोस्ट पर वैकेंसी है। लगभग 12 पोस्टों पे अलग अलग वैकेंसी है। MTS पे है, LDC पे, स्टोर कीपर पे, ड्राइवर पे है, ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर के है, और लगभग 12 अलग अलग पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी आई है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड पे भी है, ठीक है, उसके बाद स्टोर कीपर पे भी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो इन सभी पर लगभग 12 पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी ये एम्स के द्वारा निकाली गई। एम्स आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, ज्यादातर बीमारियों में जब बहुत ही सीरियस बीमारी हो जाती है तो लोग ज्यादातर एम्स की ही सलाह देते हैं। ठीक है, तो वहीं पर एक वैकेंसी निकल के आई हुई है, लगभग काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। और इसके बारे में जानेंगे कि इसकी फॉर्म फीस कितनी है, एज कितनी रहेगी, किस किस पोस्ट के अलग अलग क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस किन किन पोस्ट पर लगेगा, उसके अलावा सैलरी कितने मिलेगी, इन सभी बातों को रखकर अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाहे आप पहली बार आए तो चैनल लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एम्स के लिए दोस्तों टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करें तो टोटल पोस्ट में आपकी लगभग दोस्तों बात करें तो वही लगभग 233 यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। आप अप्लाई कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप 6 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फी क्या रहेगी, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 फीस, यानी अच्छी खासी फीस यहाँ पर ली जा रही है, यानी 1200 रुपीज फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ली जा रही है। उसके बाद एससी एसटी और जो हमारे दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए 600 यहाँ पर फीस ली जा रही है। ठीक है, उसके बाद बात करें एज क्या रहने वाली, तो एज 18 से 27 है दोस्तों नॉर्मल, और 45 यहाँ पर मैंने इस वजह से लिखा है, तो किन्हीं किन्हीं पोस्टों के लिए, यानी अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर एज लिमिट 45 भी है। ठीक है, यानी अलग अलग पोस्टों के लिए एज लिमिट भी यहाँ पर ज्यादा दे रखी है। तो यानी किन किन पोस्टों के लिए एज लिमिट ज्यादा है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल आप इतना देखिए। उसके बाद ओबीसी के लिए आप मान लीजिए तो 3 ईयर की छूट रहती है, जैसा कि पता है आपको। एससी एसटी के लिए 5 ईयर की आपकी छूट रहती है, यानी 5 ईयर को आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, और ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा ये भी मैं बात करूंगा, सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं बात करूंगा। ठीक है, उसके पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस फॉर्म में ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, किस फॉर्म में कम अप्लाई करेंगे, तो सभी बातों को आइए देखते हैं इस पोस्ट के जरिए। तो देखिये पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, पोस्ट नेम यहाँ पर दोस्तों MTS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ। तो यहाँ पर ऑफिस स्टोर के लिए 40 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, एलिजिबिलिटी 10th पास, और एज लिमिट यहाँ पर 18 to 30 है, तो आप समझ सकते हैं 18 to 30 है। ठीक है, और उसके बाद ओबीसी वाले 33 तक अप्लाई, ये जितनी भी मैंने एज यहाँ पर आपको दिख रही है ये सभी जनरल वालों की एज है। तो इसमें अगर एससी एसटी है तो उसमें 5 ईयर अपना बढ़ा सकते हैं, ओबीसी है तो 3 ईयर अपना आगे बढ़ाकर ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म आपका कब से अप्लाई होगा, तो वही 6 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा, यानी आज है आपकी 4 अक्टूबर, और 4 अक्टूबर यानी कल नहीं, आपका नेक्स्ट डे से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो यहाँ पर पोस्ट कितनी आई हुई है, तो 16 वैकेंसी ड्राइवर पोस्ट के लिए। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, और लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपके पास लाइट मोटर व्हीकल भी होना चाहिए उसके अलावा। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल यानी 6 टायर की जो गाड़ियां होती हैं, 8 टायर की जो गाड़ियां होती हैं, वो बड़ी बड़े जो वाहन होते हैं हैवी मोटर व्हीकल, आप समझ सकते हैं बड़े बड़े ट्रक वगैरह जो चलाते हैं, उसका लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, और एज लिमिट आपकी 18 से 30 है, यानी एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप जनरल से हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 18 to 33 चल जाएगा, अगर एससी एसटी से हैं तो 18 to 35 भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एलडीसी पोस्ट के लिए। तो एलडीसी पोस्ट के लिए यहाँ पर 32 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। क्या क्या मांगा गया है, तो 10th पास होना चाहिए, टाइपिंग इसमें मांगी गई है। ठीक है, टाइपिंग इसमें मांगी गई है, अगर टाइपिंग आपकी इंग्लिश में लिखेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी में आप टाइपिंग करते हैं तो
30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज लिमिट आपकी, एज आपकी 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। बाकी मैंने बता रखा आप 3 और 5 अपना प्लस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर के यहाँ पर 34 पोस्टें आई हुई हैं, जिसमें से आपको क्या क्या होना चाहिए, 10+2 पास आउट होना चाहिए, यानी 12th आपको पास होना चाहिए। उसके अलावा 10 मिनट का आपका, 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करके वहां पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करेंगे तो आपका टेस्ट भी होगा, स्पीड कितनी है आपकी वो भी वहां पर चेक किया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट आपका ये टेस्ट भी होगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, इंग्लिश में आपको 50 मिनट में लिखना होगा और हिंदी में आपको 65 मिनट में यहाँ पर आपको लिखना होगा। एज यहाँ पर भी एज आपकी 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, यानी 18 to 27 होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिक्योरिटी कम फायर की, यानी जो इसको कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, यहाँ पर ओनली 1 पोस्ट है, यानी इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो 80 से 85, यानी 80 तो आपका नॉर्मल हो जब आप उसको फुलाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो चेस्ट हो 80 से 85 हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का बीच में फुला होना चाहिए और एज आपकी 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टोर कीपर यानी क्लर्क की। तो क्लर्क की यहाँ पर 85 पोस्ट है, लेकिन इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 30 तक हो सकती है, ठीक है। अब जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो स्टोर कीपर यानी क्लर्क वाले में फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अदर पोस्ट जो ऊपर जिस पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है, तो आप उन पोस्ट पे कर सकते हैं, क्योंकि इन पोस्टों पे जहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो ज्यादातर कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म भरेंगे और यहां पर इन पोस्टों पे लिए जो ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस है तो उन पोस्टों पे लिए कम कैंडिडेट्स के होंगे, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग एक्सपीरियंस कैसे बनवा सकते हैं, तो बनवा लीजिए, ठीक है, या फिर अगर नहीं है तो फिर आप ये जो ऊपर वाली पोस्ट है जहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है आप उन पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जूनियर वार्डन यानी हाउस कीपर की बात करें तो यहां पर 10 पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 से 35 के बीच के लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और 2 साल का आपको इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं हम लोग कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। CBT होगा, CBT के माध्यम से आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग आपकी होगी यानी क्वालिफाई नेचर में, जहां जहां जिस बोर्ड पे टाइपिंग मांगी गई है उसने टाइपिंग में ले अप्लाई किया तो उसका क्वालिफाई नेचर होगा, यानी वो टाइपिंग वाला उसका टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर देन आपकी मेरिट आएगी, मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद अगर बात करता हूँ सिलेबस की, तो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो क्वेश्चन 100 रहेंगे, मार्क्स आपके 100 रहेंगे, टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, जनरल नॉलेज एंड GA के आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चन। अब लोग सोचो कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर में वही ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म पूछी जाएंगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से होंगे वो फुल फॉर्म वगैरह वाले पूछ लिए जाएंगे, और एप्लीकेशन वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे उनसे रिलेटेड MS वर्ड वगैरह एक्सेल का एक्सटेंशन पूछ लिया जाएगा। तो मतलब ज्यादा वैसा नहीं होता है, नॉर्मली ही आपका पेपर आता है इसका। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक आपका होगा CCS यानी कंडक्ट रूल 1964 एक टेस्ट होगा, इसका मैं आगे लगा दूंगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक ये आपका टेस्ट होगा जो 10 मार्क्स का होगा, इस तरह से टोटल आपके 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 1.5 आवर का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इतना डेटा इसका रहा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी क्या मिलती है, सैलरी का भी सवाल है। तो सैलरी देखिए दोस्तों, जितना भी यहाँ पर पोस्टें आपको दिख रही हैं लगभग, तो MTS हो गया, ड्राइवर हो गया, LDC हो गया, स्टेनोग्राफर, सिक्योरिटी कम हो गया, स्टोर कीपर, जूनियर वार्डन, लगभग आप मान के चलिए 25,000 से। लेकिन देखिए सैलरी मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा एम्स का, लेकिन वहां पर सैलरी का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान ही लगाया जा सकता है कि जो भी इतनी पोस्ट पे सैलरी लगभग 25,000 से कम किसी में नहीं होगी, 25,000 से नीचे शायद ही होगी नहीं, वैसे 25,000 के ऊपर ही होगी। उसके अलावा वहां के जो रूल्स हैं एम्स के, उसके भी फायदे आपको मिलेंगे, इलाज कराने में भी आपको छूट मिलेगी, फैमिली को भी छूट मिलेगी, तो वो सब चीजें अलग की हो जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर सैलरी नहीं बताई गई है कि क्या सैलरी मिलेगी, वो अलग की बातें हैं, लेकिन फिर भी जहां तक मैं
अनुमान लगा सकता हूं तो 25 प्लस मिलेगी या फिर उसके आसपास मिलेगी, इससे नीचे आपकी नहीं जाएगी। फिलहाल पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।